हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। डिटरमाइन द फोर्स पी, ठीक है। इसमें पी फोर्स आपको कैलकुलेट करना है नेसेसरी फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ स्टील बार एज शोन इन फिगर। द डायमीटर ऑफ फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट सेगमेंट ऑफ बार आर 30 mm, 25 mm एंड 30 mm, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका लास्ट सेगमेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, इसका इक्विलिब्रियम लिया इस पोर्शन का, ठीक है। इस पोर्शन का जब आप इक्विलिब्रियम लेंगे तो इसमें क्या होगा, ये देखिए आप 150, ये कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, 150 किलो न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरफ भी आपका क्या लगेगा, 150 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम इसके लिए बात करें यहाँ पे, ठीक है। ये 150 किलो न्यूटन लग रहा है, यदि मैं इस सेक्शन को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका 150 किलो न्यूटन लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी 150 किलो न्यूटन लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे इस वाले पोर्शन में, तो ये 150 किलो न्यूटन लग रहा है, देखो ये 150 हो गया और इसको बैलेंस करने के लिए इधर 150 किलो न्यूटन लग रहा है, तो ये, ठीक है। तो जब ये इधर 150 किलो न्यूटन लग रहा होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए आपका इधर लग रहा होगा, इस पे। बेसिकली इसने इसके ऊपर एक्शन किया, ये रिएक्शन ऑफर कर रहा है एक तरह से, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये एक्टिंग फोर्स है, ये रेजिस्टिंग फोर्स है। इसी तरह यहाँ से रेजिस्टिंग फोर्स 150 डेवलप हुआ और इसको बैलेंस करने के लिए फिर आपका ये 150 किलो न्यूटन डेवलप हुआ, ठीक है। इस पे ये 150 है और ये पी है, ठीक है। और पी का डायरेक्शन कैसा है, उल्टा, ठीक है। पी का डायरेक्शन उल्टा है, तो अब आप देखो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा इस वाले कॉर्नर का, ठीक है। आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, ये मैंने 150 क्यों लिया, मैं इसको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। ये 150 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 150 लगेगा, ठीक है। और ये जैसे मैं सेक्शन एक्स एक्स लूँ तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो यहाँ 150 लगेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस वाले फेस है यहाँ पे भी 150 लगेगा, मतलब 150 इधर 150 इधर। तो जब मैंने इसका इक्विलिब्रियम लिया इसका, तो यहाँ पे क्या है 150, तो ये आ गया आपका 150, है ना। और पी इस पे पहले से लग रहा है, तो इस बार एक फेस पे नेट फोर्स कितना हो गया, इस वाले फेस पे आपका नेट फोर्स हो गया 150 माइनस पी, ठीक है, 150 माइनस पी हो गया। तो यहाँ पे 150 माइनस पी लग रहा है, तो इधर भी आपका कितना एक्ट करेगा, 150 माइनस पी, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये 150 माइनस पी हो गया। अब आप देखिए इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको जब आप कंसीडर करेंगे तो कुछ इस तरह से पिक्चर बनेगी। सबसे पहले तो ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक फोर्स ऐसा लगेगा, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, 150 माइनस पी, ये फोर्स बेसिकली इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये सेम 150 माइनस पी हो गया। अब आप देखो ये 200 लग रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लग रहा है, 200 लग रहा है, तो और 200 का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, ठीक है। तो हो गया 200, ठीक है। और इस तरफ कितना एक्ट कर रहा है, इस तरफ एक्ट कर रहा है आपका 100 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इन दोनों का समीशन आपका किसके इक्वल होना चाहिए, 100 किलो न्यूटन, फॉर इक्विलिब्रियम हंड्रेड इक्वल्स ये 150 और ये 200, कितना हो गया 350 माइनस पी, तो पी इक्वल्स पी उधर चला जाएगा, ये 350 माइनस 100 इक्वल्स पी इक्वल्स कितना आ गया 250 किलो न्यूटन, ठीक है, ये पी की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है इलोंगेशन, ठीक है। तो इलोंगेशन निकालना, तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 3,
ठीक है। तो इलोंगेशन निकालने का फॉर्मूला हम लगा देंगे, डेल्टा इक्वल्स क्या होता है, पी वन एल वन अपॉन ए वन ई, ठीक है, चूंकि मटेरियल सेम है तो ई की वैल्यू सेम रहेगी, प्लस पी टू एल टू अपॉन ए टू ई प्लस पी थ्री एल थ्री अपॉन ए थ्री ई, ठीक है। अब हम वैल्यूज निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले पी वन, ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे तो पी वन कितना है, पी वन है आपका 150 किलो न्यूटन, मीन्स 150 इंटू 10^3। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो फर्स्ट में एल का वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट के लिए वो कितना दिया है 30 mm, तो ये हो गया इंटू 30 अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा पाई ए फोर डी स्क्वायर। अब डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका, सॉरी ये डायमीटर है ना, लेंथ कितना है 1000 और डायमीटर फर्स्ट का दिया है 30 mm, तो पाई ए फोर इंटू 30 का स्क्वायर, और ई की वैल्यू कितनी है 200 GPa, तो इसको चेंज करेंगे न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में, तो 200 × 10^3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है, चूँकि एम एम में लिए तो हमने यहाँ पे ये भी एम एम में चेंज कर लिया, तो 30 का स्क्वायर इंटू 200 × 10^3, ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे, प्लस पी टू, अब पी टू आप देखो कितना होगा यहाँ पे नेट फोर्स 150 - P है, ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है 250, तो 150 में से जब आप 250 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 100, ठीक है, इसका मतलब ये लोड कैसा है कंप्रेस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये प्लस किया क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसमें क्या होगा इलोंगेशन, इसमें इलोंगेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे प्लस किया गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस 100, ठीक है, इंटू एल, एल कितना दिया है, देखो एल कितना है इसका 800, तो 800 अपॉन ए पाई फोर डी स्क्वायर, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर इंटू, अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, इसकी वैल्यू कितनी है 200 × 10^3, ठीक है, प्लस उसको भी लिख देते हैं तीसरा वाला है, तो तीसरे वाला ये है आपका, यहाँ पे कितना है पी 100, ठीक है, तो 100 इंटू इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ आप देखो कितना है 1000 है, तो 1000 / π/4, डायमीटर इसका भी 30 है, इंटू 200 × 10^3, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं सबको फटाफट से, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 150 × 10^3 ये आ गया इंटू वन, ओके जस्ट ए मिनट, फर्स्ट ये जस्ट ए मिनट, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड केस में लेंथ कितना है 600 mm, तो ये आपका आ जाएगा 600 और डायमीटर थर्ड केस में कितनी है 30 mm, ठीक है, तो ये बाकी सारी चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट अब 150 इंटू ये कर दिया तो ये आ गया इंटू 1000, ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है अपन को शिफ्ट पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर कितना है 30 का स्क्वायर, इसे डिवाइड कर दिया, ये वाला ये पूरा हो गया, फिर आपको डिवाइड करना है इसको 200 × 10^3 से, तो ये आ गया आपका 1.06 mm, ठीक है, प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस सिंबल है, तो 100 है ना, ये भी किलो में, तो यहाँ पे भी 10^3 आएगा, इंटू 1000 से कर देता हूँ मैं डायरेक्ट 1000, ठीक है, 100 × 1000 × 800, ठीक है, डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई बाई फोर इंटू डी की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, फिर आपने इसको डिवाइड किया किससे 200 × 10^3 से, तो ये आ गया जीरो, माइनस का आएगा 0.8148, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिव वाला लोड है, प्लस तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये कितना है 100, ठीक है, ऑब्वियसली 10^3 आएगा क्योंकि सब किलो न्यूटन में, इंटू 600 लेंथ है, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं शिफ्ट पाई बाई फोर इंटू डायमीटर कितना है 30 का स्क्वायर,
ये हो गया, फिर डिवाइड करते हैं 200 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये आ गया 0.4244। ठीक है, अब ये दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 0.42 प्लस 1.061, ये वैल्यू आ रही है आपकी 1.4854 और माइनस 0.8148, तो माइनस 0.8148, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.6706 mm। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।